नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिन पहले महिला से हुई छेड़खानी का मामला। छेड़खानी के मामले में सुलह कराती देखी पुलिस कटरा बाजार से आई हैरान करने वाली तस्वीर। महिला के देवर को खींचकर ले जा रही देखी पुलिस। वीडियो में पुलिस दोनों को खींचकर थाने के भीतर ले गया दीवान। वहीं हम आपको बता दें कि दोनों को खींचते दीवान मृत्युंजय का वीडियो हुआ वायरल। बयान में महिला कर रही जबरदस्ती सुलह की बात कर रही। पुलिस कटरा बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला। वही इस पूरे मामले में पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। मैं आपका गांव कौन सा है? थाना कौन सा है? कटरा बाजार। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? आप प्रसाद हुका मारे गंदे गंदे गाले दिए हमारे मारे घर राय मारे हमारे बस्तर कुल खुर हम पर कुल ऊपर हो गया सर। और बाद में गए कटरा बाजार तहरेल दिया, उसका कुछ नहीं सुनवाई हुए। फिर गए यशो खिया कंडेलगंज, फिर वहाँ कहीं ले जाओ, फिर कटरा कटरा फिर आया नहीं, सुनवाई नहीं हुआ। फिर अपने पास जिसे राजकुमार ग्राम कुमार सीओ साहब के यहाँ जब आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या हुआ? उसके यहाँ के जाओ हुआ कटरा बाजार, वहाँ पे वहाँ पे आए तो यहाँ फिर दिया, तो यहाँ फिर जवाब दिया हमका ले गया। फिर राम कुमार आया, फिर उसको खींच ले गया, फिर उसका पकड़े पकड़े छोड़न आए, फिर खींच ले के गया, फिर वहाँ जबरदस्ती सुलह लगा लिया, तब पकड़ के उसको बैठा लिया, जबरदस्ती सुलह में लगा दिया। आपका आपका कोई कार्रवाई नहीं की गई और सुलह लगा लिया गया आपसे? कोई कार्रवाई कोई नहीं कर गई। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी कर्नेलगंज का क्या कहना है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले महिला के द्वारा विपक्षी उमा प्रसाद के विरुद्ध छेड़खानी की एप्लीकेशन दी गई थी, परंतु उस एप्लीकेशन पर कार्य न करके और महिला के देवर को पुलिस के द्वारा अभद्र तरीके से खींचकर थाने के अंदर ले जाया जा रहा है और महिला सुलह का बता रही है कि पुलिस ने जबरदस्ती से सुलह कराई है। इस संबंध में जानकारी की गई तो पाया गया कि पमिला पति रामबख्श एवं उनके विपक्षी उमा प्रसाद पुत्र कपूर इनके मध्य जमीनी विवाद है, जिसके क्रम में महिला के द्वारा पेशबंदी में प्रार्थना पत्र दिया गया था। समाधान दिवस के दिन कथनू के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जमीनी विवाद के संबंध में दिया गया, जिसमें हल्का लेखपाल के द्वारा पाया गया कि इसमें भूमिगत विद्यमान है और धारा 24 के तहत आप जो है इसमें पैमाइश कराई जा सकती है। इसके अलावा जो शासनादेश हैं जिनमें आपसी समझ के तहत भी निस्तारण की बात कही गई है, इस क्रम में महिला को बताया गया कि आप लोग आपसी सुलह समझौते के माध्यम से भी प्रकरण को निस्तारित करा सकते हैं। महिला का पति रामबख्श क्योंकि बाहर विदेश में रहता है और उसके अनुपस्थित में उनका पड़ोसी जो है राम कुमार पुत्र जिलेदार, वो महिला और उसके पुत्र बच्चों की देखभाल करता है, वह इस मामले में भी वही पैरवी कर रहा था। इस संबंध में जब उसको राम कुमार को बुलाया गया थाने के अंदर, तो राम कुमार को थाने के अंदर जाने का महिला विरोध कर रही थी, जिसके क्रम में सिपाही के द्वारा उनको अंदर दोनों को अंदर बुलवाया गया और जब सभी बच्चे आपस में बैठे तो सुलह समझौते के तहत जमीनी विवाद में उसका निस्तारण समाधान दिवस के अवसर पर कराया गया। इसमें किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं पाई जा रही है और जो महिला द्वारा छेड़खानी की बात कही जा रही है वह पेशबंदी में दिया जाना पाया जा रहा है। प्रकरण विशुद्ध रूप से जमीनी विवाद से संबंधित है, दोनों पक्षों का 107 सुलह किया गया है और अभ्यंतर कार्रवाई की जा रही है।